में फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है के बारे में बात करते हुए फिल्म से जुड़ी कई चौंकाने वाली बातें शेयर की। करण जौहर ने बताया कि कुछ कुछ होता है उनकी पहली फिल्म थी जिसके कारण वे बेहद उत्साहित थे, जबकि मेरी मां नहीं चाहती थी कि मेरी पहली फिल्म रिलीज हो। शाहरुख खान, सलमान खान, काजोल और रानी मुखर्जी जैसे सितारों से सजी फिल्म कुछ कुछ होता है साल 1998 की सुपरहिट फिल्मों से एक है। रोमांस और ड्रामा से भरी फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन हाल ही में फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है के बारे में बात करते हुए फिल्म से जुड़ी कई चौंकाने वाली बातें शेयर की। करण जौहर ने बताया कि कुछ कुछ होता है उनकी पहली फिल्म थी जिसके कारण वे बेहद उत्साहित थे, जबकि मेरी मां नहीं चाहती थी कि मेरी पहली फिल्म रिलीज हो। बॉलीवुड हंगामा.com ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें करण जौहर फिल्म कुछ कुछ होता है के बारे में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। करण जौहर ने सवाल किया गया कि आप अपनी पहली फिल्म के रिलीज की सफलता को एंजॉय करने की बजाय आप लंदन चले गए। इस सवाल पर करण जौहर ने कहा, फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी। फिल्म रिलीज होने के 15 दिन पहले मेरी मां को कॉल आता है कि फिल्म को रिलीज मत करो। यह एक धमकी भरा कॉल था। यह हमारे लिए बेहद डरावना था क्योंकि हम एक सिंपल फैमिली से आते हैं। करण जौहर ने कहा, मैं और मेरी फैमिली बेहद डरे हुए थे और मेरे पिता और माता ने फैसला लिया कि हम एक महीने के लिए लंदन जाएंगे और हम लंदन चले गए। मैं फिल्म कुछ कुछ होता है कि रिलीज को एंजॉय भी नहीं कर पाया और न ही मैंने फिल्म को सिनेमाघर में देख सका। यहां तक कि मेरे दोस्त फोन कर बोलते थे कि फिल्म में सलमान खान की एंट्री में लोग ताली मार रहे हैं। मैं लंदन से एक पीसीओ से कॉल करता था और मेरे दोस्त फोन के जरिए दर्शकों के चिल्लाने की आवाज को सुनाते थे। मुझे इस बात का हमेशा दुख होता है कि मैं अपनी पहली फीचर फिल्म को एंजॉय नहीं कर सका।